जबलपुर में मतदान केंद्रों से मतदान कर्मचारी ईवीएम लेकर वापस लौटे और स्ट्रांग रूम में जमा कराया। वापस लौटे मतदान कर्मचारियों का जोरदार स्वागत हुआ और मतदान कर्मचारियों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से लगातार मतदान केंद्रों पर ये ड्यूटी कर रहे थे। 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने चुनावी ड्यूटी में हिस्सा लिया। ईवीएम मशीन्स जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाई गई हैं और अपने इस काम के लिए, इस कर्मयोग के लिए, इस मेहनत के लिए उन्हें यहां सम्मानित किया गया। उनके लगातार तत्परता और दृढ़ता को यहां पर फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया, उनका उत्साह वर्धन किया गया। मंडला लोकसभा क्षेत्र में मतदान कराकर वापस लौटे मतदान कर्मियों का कलेक्टर, एसपी और सहायक कलेक्टर ने स्वागत किया। मतदान कर्मचारियों का तिलक और चंदन और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। कलेक्टर ने सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए सभी मतदान कर्मचारियों का धन्यवाद किया, उनकी सराहना की। हम जो है 174 मतदान केंद्र का नाम है खड़देवरा, यहाँ पर पूरी टीम सहित गए थे और हम जैसा महसूस कर रहे थे वैसा नहीं हुआ। गर्मी तो बहुत थी, अधिक थी, ऐसा महसूस लग रहा था, लेकिन शासन से भी वैसी व्यवस्थाएं थी, छाछ की व्यवस्था थी और अच्छा वहाँ कूलर का भी व्यवस्था था और मतदाता भी बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे और अच्छी तरीके से जो है मतदान संपन्न हो गया। लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अर्बन एपैथी जो हम बोलते हैं वो उस एरिया में नहीं है। लोग अभी भी इसको बहुत ही उत्सव के रूप में मनाते हैं, गर्मी हो सर्दी हो उनको नहीं है, ये उनका अधिकार है, ये उस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक विधानसभा में भी उस एरिया में बहुत अच्छा रहा था, इस समय भी उस एरिया में अच्छा रहा है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे खास खबरों के साथ। आज हमारी किसान बीज